अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे अंडा चिकन कोफ्ते। चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लेंगे 2 चम्मच खसखस, 1 कप भुने चने। खसखस को पानी में धो के पानी में भिगो के रखते हैं, और चने आप पीस लें जब इनका बिल्कुल पाउडर हो जाए। मैंने ये अंडे उबलने रख दिए थे, तो इसको एक साइड पर कर लें और खसखस को भी पानी उसका निकाल के अच्छे तरीके से पीस लें। इसके बाद आप चिकन का कीमा ले लें, लेकिन उसको फिर भी पीस लें ताकि वो बिल्कुल यकजान रेशे बन जाए उसके। जब इस तरीके की थिकनेस हो तो आपका कीमा बिल्कुल रेडी है। 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें और एक छोटी सी प्याज लेके वो भी अच्छे तरीके से बारीक पीस लें। इन सब चीज़ों को चिकन में शामिल कर लें और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 1 चम्मच काली मिर्च डालें, 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको यकजान कर लें। बाद में ये मैंने 2 से 3 अंडों पर चिकन की कोटिंग कर ली थी, बाकी मैंने सिंपल कोफ्ते बना लिए थे। प्याज को फ्राई करके निकाल लिया, इसके अंदर हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक डालकर उसको ब्लेंड करके घी में ऐड करके उसको मसाले को फ्राई कर लिया। जब मसाला फ्राई हो गया, उसके अंदर मैंने काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला, नमक, हर ये चीज़ें डालकर मसाले में मिक्स कर दिया। उसके बाद उसके अंदर कोफ्ते ऐड कर दिए। कोफ्तों का चिकन मैंने कच्चा रखा था। जब ये पक जाएंगे तो इसमें एक कप दही ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और 1 कप क्रीम, और इसको दम पे रख देंगे। गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू।